Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss about chapter number 8, that is Cell, the Unit of Life, of class 11th Biology NCERT. So let's start. This is the part 1 video of chapter number 8. Question number 1. A common characteristic feature of plant sieve tube cells and most of the mammalian erythrocyte is, दोनों के बीच में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बताना है यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है? तो ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है? तो सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे जो मेमिलियन एरिथ्रोसाइट या सीव ट्यूब सेल्स यहाँ पे जो बात हो रही है, बेसिकली आप जब ये जितनी भी चीजें बोलते हैं, न्यूक्लियस का प्रेजेंस या माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंस या कोई भी ऑर्गेनली है उसके ऊपर सेल वॉल है या नहीं या वो मेम्ब्रेन बाउंड है या नहीं, तो हम सेल को जो है वो दो पार्ट में, यानी कि ऑर्गेनिज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रोकैरियोट्स एंड द सेकेंड वन इज यूकैरियोट्स, ठीक है? प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता और यूकैरियोट्स वो हैं जिनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है? यानी कि इनका ये सेल है, उस सेल में एक न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है? ये सेल वॉल है मान लीजिए, तो ये न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, जिस तरीके से आपको सेल वॉल के अंदर, इस सेल के अंदर आपको साइटोप्लाज्म मिलता है, ये सारी चीजें आपको यूकैरियोट में मिलेंगी। प्रोकैरियोट में सिंपल आपका सेल, उसके अंदर ही साइटोप्लाज्म भी है और उसके अंदर भी जो भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला मटेरियल, जैसे कि क्रोमैटिन मटेरियल हो गया, डीएनए आरएनए कुछ भी, वो इस सेल के अंदर ही प्रेजेंट होगा, ठीक है? ये एक बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बारे में, ठीक है? तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं तो इन दोनों में ही न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, चाहे एरिथ्रोसाइट यानी कि जिसको इसके अंदर आपका आता है आरबीसी, आरबीसी की बात कर लीजिए, चाहे सीफ ट्यूब सेल्स, यहाँ पे सीफ ट्यूब एलिमेंट आपको दिख रहा है, कहीं भी आपको न्यूक्लियस नहीं दिखेगा, ठीक है? न्यूक्लियस सीफ ट्यूब एलिमेंट्स में एब्सेंट होता है, ठीक है? ये न्यूक्लियस एब्सेंट होता है सीफ ट्यूब एलिमेंट्स में, ठीक है? और यही न्यूक्लियस एब्सेंट होता है एरिथ्रोसाइट में, क्योंकि वहां पे जितना चीजें एब्सेंट रहेंगी उतना बेहतर, उतना स्पेशियस होगा वो और उतने अच्छे से जो है वो ब्लड जो है उसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है? अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस है जिसमें डी जो है वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या फिर प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल या हीमोग्लोबिन, ये किसी एक में प्रेजेंट है किसी एक में नहीं प्रेजेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन का प्रेजेंस एरिथ्रोसाइट में है लेकिन सीव ट्यूब एलिमेंट्स में नहीं है, ठीक है? सेल वॉल का प्रेजेंस, सेल वॉल जो है आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ इसमें तो नहीं दिख रही, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एब्सेंट होता है सीव ट्यूब एलिमेंट्स में लेकिन आपके एरिथ्रोसाइट में प्रेजेंट होता है क्योंकि वहां पे उसको चाहिए होता है एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है? जो कि माइटोकॉन्ड्रिया देता है, एनर्जी करेंसी भी कहते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट वन विच इज नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम, जो राइबोसोम के लिए सही नहीं है। तो बेसिकली आपको राइबोसोम देखते ही एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि राइबोसोम तो वो ऑर्गेनली है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है? जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, अगर ये यूकैरियोट्स सॉरी अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है तभी भी, जिसको हम लोग अगर जब ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लग जाए तो हम ऐसे राइबोसोम को क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ भी ये रफनेस बनाने के लिए जो राइबोसोम यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ भी प्रोटीन की सिंथेसिस ही करता है और अगर फ्री फॉर्म में रहता है तो भी प्रोटीन की सिंथेसिस ही करता है, मेन फंक्शंस का यही है, ठीक है? राइबोसोम जो है वो दो सबयूनिट्स में होते हैं, यानी कि इसके टोटल 2 सबयूनिट्स है। पहला जो सबयूनिट है उसको हम कहते हैं स्मॉल सबयूनिट, ठीक है? और जो दूसरा वाला है सेकेंड वन उसको हम कहते हैं लार्ज सबयूनिट, लार्ज सबयूनिट, ठीक है? इस तरीके से 2 सबयूनिट्स होते हैं। अब अगर मैं आगे चीज आपको बताऊं, जैसे राइबोसोम यूकैरियोट्स में जब राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो यूकैरियोट्स में राइबोसोम होते हैं ATS, S क्या है, सिडबर्ग कांस्टेंट, ATS होता है, यानी कि इसमें अगर मैं लार्ज और स्मॉल की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 60S एंड 40S का कॉम्पोजिशन है, ठीक है? इसी तरीके से प्रोकैरियोट का देखें तो वहां पे 70S प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आपको जो है 50S लार्ज सबयूनिट एंड 30S आपका स्मॉल सबयूनिट होता है, ठीक है? ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में ये 2 चीजें हैं, 2 सबयूनिट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये चीज जो है वो जाएगी गलत, ठीक है? यानी गलत, यानी कि यहाँ पे पूछा है नॉट ट्रू, तो यही आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। मे अटैच टू mRNA, यहाँ देखिए राइबोसोम, ये आपको राइबोसोम दिख रहा है, ये आपका लार्ज सबयूनिट है एंड दिस वन इज द स्मॉल सबयूनिट,
ठीक है, ये स्मॉल सबनेट है, दोनों के बीच में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बीच में, दैट इज द एमआरएनए, ठीक है, तो यही लिखा है मे अटैच टू एमआरएनए, ये करेक्ट बात है, फॉर्म पॉलीजोम, ठीक है, पॉलीजोम होता है जब आपका राइबोसोम आके एमआरएनए से बाइंड करता है, तो उस पार्ट को हम कहते हैं पॉलीजोम, ठीक है, और जब कई सारे राइबोसोम इस तरीके से एमआरएनए को बाइंड करते हुए एक चेन बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम, ठीक है, पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम में सिंपल सा अंतर है। हाँ देखिए, मान लीजिए इस तरीके से आपका एमआरएनए है, इसके ऊपर एक सबनेट और ये दूसरा सबनेट, ठीक है, मान लीजिए ये लार्ज सबनेट है राइबोसोम का, ये स्मॉल सबनेट है, दोनों जब आके बाइंड किया तो इसको आप कहोगे पॉलीजोम, ठीक है, बाइंड कर दिया इसने एमआरएनए को, लेकिन जब इस तरीके से एक और एमआरएनए आ गया, इस तरीके से एक और एमआरएनए आ गया उसी एमआरएनए के ऊपर, तो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, तो अब हम इसको कहने लगेंगे पॉलीराइबोसोम, ठीक है, पॉलीराइबोसोम, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये इसका ये ट्रू नहीं है अबाउट द राइबोसोम, तो ये बात सही हो जाएगी, मेड अप ऑफ टू सबनेट्स बात कर चुके हैं, पॉलीजोम की बात कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर टू का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ यूकैरियोट, इसमें से कौन सा यूकैरियोट नहीं है वो पूछा हुआ है, ठीक है, देखिए यूग्लेना है, एनाबीना है, स्पायरोगायरा है एंड एगारिकस है, ठीक है, चारों के बारे में अगर मैं डिफरेंस देखूं, सबसे पहले इसमें से कौन यूकैरियोट नहीं है, इसका मतलब है यूकैरियोट जो नहीं होगा वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा प्रोकैरियोट के अंदर, यानी कि उसके पास जो न्यूक्लियस होगा वो एब्सेंट होगा, ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होगा, उसमें हिस्टोन्स भी नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी नहीं प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है, वहां पे राइबोसोम जो है वो आपका 70S होगा, इस तरीके से सारी चीजें आपके प्रोकैरियोट्स के बारे में, ये बात सही है, ठीक है, ये किसमें आपको दिख रहा है, सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा है, जैसे कि आपका लिखा है यहाँ पे एनाबीना, ठीक है, एनाबीना क्या है, ये देखिए एनाबीना, एनाबीना क्या है, ये इकलौता यहाँ पे ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि यूकैरियोट नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोटिक की कैरेक्टरिस्टिक में आता है, इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है, एनाबीना, ये जो है एनाबीना जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, और आपको पता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो आपका आता है बैक्टीरिया के अंतर्गत, और आपको पता है कि बैक्टीरिया जो है दैट इज द प्रोकैरियोट, तो उसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं बैक्टीरिया के वो सारे के सारे कैरेक्टर्स बीजीएम में भी हैं, तो आपका एनाबीना जो है वो आपका यूकैरियोट नहीं है, इट इज अ प्रोकैरियोट, ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस लिखे हैं जैसे यूग्लेना हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, इट्स अ टाइप ऑफ एल्गी, एगारिकस हो गया, इट्स अ टाइप ऑफ फंजाई, ठीक है, ये सब यूकैरियोट्स हैं, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस, ये भी वेल डिफाइंड है इन सब में, ठीक है, यूग्लेना, स्पायरोगायरा एंड एगारिकस, ये स्पायरोगायरा आपको दिख रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following stains is not used for staining chromosome? जो क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए यूज नहीं किया जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको चार दिख रहे हैं stains, basic fucsin, saffronin, methylene green और carbene, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सोचने वाली बात है कि जो आपका स्टेनिंग है वो कैसी टेक्निक है, ये जो स्टेनिंग है ये कैसी टेक्निक है, इट्स एन ऑक्सिलरी टेक्निक, ऑक्सिलरी टेक्निक, ठीक है, ऑक्सिलरी टेक्निक है, यानी कि दैट इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी, जिसके वजह से क्या होगा, जो माइक्रोस्कोपिक इमेजेस हैं उनमें कंट्रास्ट आ जाएगा और बहुत क्लियर वो हमें दिखेगा, ठीक है, स्टेन्स या डाइज जो भी हम बायोलॉजी में यूज करते हैं या मेडिकल साइंस में यूज करते हैं वो बेसिकली बायोलॉजिकल टिश्यूज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे माइक्रोब्स हो गए, ब्लड सेल्स हो गए, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हो गए, आप एक ही सेल के अंदर देख लीजिए, उसी सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस भी है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, उसी में आपको साइटोस्केलेटन भी दिख रहे हैं, अगर सब हम एक ही से कलर कर देंगे तो हमें डिफरेंशिएट करने में बहुत दिक्कतें आएंगी, ठीक है, तो सब ऑर्गेनेली का या सब न्यूक्लियस का जो भी है उसके लिए अलग अलग डाइज होते हैं या अलग अलग स्टेन्स होते हैं जो उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं ताकि हम क्लियरली उसको विजुलाइज कर पाए इनटू द माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल स्टेनिंग ये टेक्निक होती है, ये बात हमें पता चल गई। अब यहाँ पे जो चार दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल सैफ्रिन, बहुत बेसिकली हम इसको यूज करते हैं, इट इज यूज्ड एज अ काउंटर स्टेन, ठीक है, सैफ्रिन को हम एज अ काउंटर स्टेन यूज करते हैं, ठीक है, काउंटर स्टेन किसमें, इन ग्राम स्टेनिंग, सॉरी इन ग्राम नेगेटिव, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें हम एज अ काउंटर स्टेन इसको यूज करते हैं, ठीक है,
उसके बाद एंड एंडोस्पोर टेक्निक, सॉरी एंडोस्पोर स्टेनिंग। अब ये एंडोस्पोर स्टेनिंग क्या होता है? एंडोस्पोर का मतलब होता है, जैसे कई बार आपको जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनको उनका टेम्परेचर या उनका जो भी एक होता है फेवरेबल कंडीशन, वो उनको नहीं मिल पाता, तो वो क्या करते हैं अपने अराउंड एक मोटी सी, एक बहुत ही मोटी सी थिक लेयर बना लेते हैं, ठीक है। और ये थिक लेयर के अंदर जो है वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो भी सीड का फॉर्म के फॉर्म में वो रहता है, और जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, ये जो इतना हार्ड सर्फेस जिसको आप नॉर्मली नहीं ब्रेक कर सकते थे, ये अपने आप जो है वो ब्रेक हो जाता है और इसमें से ये चीज बाहर निकल के फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करने लगती है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया की बात हो रही है। तो एंडोस्पोर स्टेनिंग, जो एंडोस्पोर्स हैं उसको भी स्टेन कर सकता है सैफ्रिन, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्टिलेज, म्यूसिन एंड मास्ट सेल ग्रेन्यूल। किन किन के लिए होता है? एक तो होता है कार्टिलेज के लिए, ठीक है, सॉफ्ट बोन होते हैं ये। कार्टिलेज के बाद होता है आपका म्यूसिन, म्यूसिन एंड मास्ट सेल, मास्ट सेल, ठीक है। इन तीनों के लिए सैफ्रिन यूज होता है। नेक्स्ट है आपका कार्मीन, कार्मीन। ये जो कार्मीन है ये क्या है? बेसिक डाई है, बेसिक डाई है, ठीक है। ये जो बेसिक डाई है ये न्यूक्लिक एसिड को स्टेन करने के लिए, किसके लिए? न्यूक्लिक एसिड को स्टेन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। चाहे डीएनए है, आरएनए है, कुछ भी, उसको स्टेन करने के लिए दिया जाता है कार्मीन, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड हो गया या फिर क्रोमोसोम हो गया, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा है वो उसका आंसर यही है, कार्मीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, नहीं स्टेनिंग क्रोमोसोम पूछ रहा है ना, तो क्रोमोसोम के तो सैफ्रिन आ जाएगा। कार्मीन जो है ये सारी चीजें करते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो गया या आपका क्रोमोसोम हो गया, उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट जो है जैसे कि आपका ये नेगेटिव चार्ज देता है उनमें, क्रोमोसोम जो है वो पिंक कलर में आ जाते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स को हम क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्मीन जो है वो क्रोमोसोम को स्टेन करता है, पहली चीज। यहाँ पूछा उन्होंने नॉट यूज, जो यूज नहीं किया जाता, ठीक है, तो कार्बीन यूज करता है। हम देखते हैं यहाँ पे, और सैफ्रिन के बारे में आपने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा कि ये क्रोमोसोम यूज करता होगा। नेक्स्ट आपका मिथिलीन ब्लू, मिथिलीन ब्लू जो है ये भी न्यूक्लिक एसिड को स्टेन करता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को ये भी स्टेन करता है, ये भी गोल्जी बॉडी को स्टेन करता है, ठीक है, गोल्जी को भी स्टेन करता है। तो न्यूक्लिक एसिड को स्टेन करता है, इसका मतलब क्रोमोसोम को स्टेन करता है, तो डेफिनेटली ये भी कर रहा है। बेसिक पोसी ये भी करता है, इट्स ऑल्सो बेसिक डाई, इट इज इन्वॉल्व्ड इन द स्टेनिंग ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम, ठीक है, ह्यूमन के क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए यूज होता है, इलास्टिक फाइबर को, कार्डियक स्केलेटल फाइबर्स को, सबको ये स्टेन करता है, बेसिक पोस्टेन। सैफ्रिनिन जो है वो क्रोमोसोम को स्टेन नहीं कर पाता, ये बहुत बेसिक बेसिक चीजों को स्टेन करता है, ये सारी चीजें जैसे बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव, कार्टिलेज, म्यूसिन, मास्क सेल, ये सब। तो इसका आंसर हो जाएगा सैफ्रिनिन जो क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, 4B हो जाएगा करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट साइजेस, ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पे चार है, माइकोप्लाज्मा है, ऑस्ट्रिच है, ह्यूमन आरबीसी एंड बैक्टीरिया। तो आपको पता है कि जो स्मॉलेस्ट है वो स्मॉलेस्ट कौन है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। इसमें से जो माइकोप्लाज्मा है ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है, सबसे छोटा है। कितना साइज होता है? अप्रोक्सीमेटली 0.3 नैनोमीटर के अप्रोक्स उसका साइज होता है, फर्स्ट हो गया, ठीक है। आपको ये भी पता है कि जो ऑस्ट्रिच एग है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, आपको क्लियरली ऐसे विजुलाइज होता है, बाकी आरबीसी बैक्टीरिया ये उतना क्लियरली विजुलाइज नहीं है, ठीक है, आरबीसी तो है। तो ये फोर्थ नंबर पे आपको ऑस्ट्रिच एग आ जाएगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच एग जो है वो लार्जेस्ट सेल है, इसका जो साइज है अप्रोक्सीमेटली 15x13 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये आपको ऑस्ट्रिच एग है। अब आरबीसी आपको ऐसे दिख जा रहा है आंखों से, ठीक है, बैक्टीरिया नहीं दिख रहा, तो इसको आप रख सकते हो 1, 3, इसको आप रख सकते हो तीसरे नंबर पे आरबीसी को, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली 7 माइक्रोमीटर के होते हैं, ठीक है, 7 माइक्रोमीटर के होते हैं आपके आरबीसी थर्ड नंबर पे। सेकेंड नंबर पे आपका आता है बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया होता है उनका साइज अप्रोक्सीमेटली 30x5 माइक्रोमीटर के अप्रोक्स होता है, ठीक है, ये इसका साइज है। तो यहाँ पे इन सब चीजों से आपको सीक्वेंस पता चल गया होगा, आपका 1 सबसे पहले आपका होना चाहिए 1, तो ये 2 में लिखा हुआ है, देन आपका होना चाहिए 4th, ये आपका सिर्फ 1 में है, यहीं से आंसर निकल जाएगा, ठीक है, और फिर 3 एंड 2, ये 3rd एंड देन 2nd, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए,
क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू प्रोकैरियोट्स एंड मेनी यूकैरियोट्स, दोनों के लिए जो कॉमन है ठीक है वो कौन सा है, क्रोमैटिन मटेरियल, सेल वॉल प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट। तो अभी जो डिफरेंस बताया था उसको आपको पता था कि मेम्ब्रेन बाउंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज जो है वो आपके प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता, यूकैरियोट्स में पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या आपका प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता, क्रॉस है प्रोकैरियोट के लिए, यूकैरियोट में तो पाया ही जाता है ठीक है। क्रोमैटिन मटेरियल जो है आपका प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता, आपका यूकैरियोट में पाया जाता है ठीक है, सिर्फ यूकैरियोट में है। जेनेटिक मटेरियल जो है प्रोकैरियोट्स में नेकेड होते हैं, एनवलप्ड नहीं होते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, और जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो यूकैरियोट्स में ही पाया जाता है। लेकिन सेल वॉल आपका प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो दोनों में प्रेजेंट होता है। आपने बैक्टीरिया के ऊपर भी सेल वॉल देखा होगा, उसके ऊपर टिकोइक एसिड है, पेप्टाइडोग्लाइकन है ठीक है, लाइपोपॉलीसेकेराइड ए आप पढ़ते हो, ये सारी चीजें ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव के बेसिस पर आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, तो वो आप कर पाते हो उसके सेल वॉल की वजह से ही ठीक है। उसकी सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यही एक आउटर कवरिंग है, इसके अलावा और किसमें कोई कवरिंग होती नहीं है ठीक है, और इसी से सारे फंक्शंस होते हैं बैक्टीरिया के या प्रोकैरियोट्स के सारे फंक्शन ठीक है। यूकैरियोट्स में तो सारी चीजों के लिए चीजें डिफरेंशिएट किया गई है लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं है। तो सेल वॉल जो है दोनों में ही प्रेजेंट है, उन्होंने पूछा है कॉमन फीचर, तो आंसर हो जाएगा 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7, हु प्रपोज्ड द फ्लूइड मोजैक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोजैक मॉडल है उसका क्या मतलब है, देखिए स्टार्टिंग में रॉबर्टसन और डेनियल डेविसन ये सब आए थे, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, सैंडविच मॉडल, ये सब इन्होंने मॉडल दिया। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था स्क्लिडन एंड श्वान, स्क्लिडन एंड श्वान ने कहा कि इस तरीके से लिपिड का एक लेयर होता है ठीक है, और ये जो लिपिड की लेयर है ये बाई लेयर होती है ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बना रही हूँ ये लिपिड की बाई लेयर है ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए ये प्रोटीन है, इस तरीके से लिपिड आगे लगा हुआ है ठीक है, और इस तरीके से एक और प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन जो है ये प्रोटीन कैसी प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन पूरे में प्रेजेंट है, दोनों मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सारे स्ट्रक्चर, अगर मैं ऐसे एक स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये क्या है, ये लिपिड है ठीक है, ये लिपिड है, यानी कि अगर इस मेम्ब्रेन से पास करना हो तो कौन सी चीज बहुत आसानी से पास हो सकती है, लिपिड। कौन सी चीज आसानी से पास नहीं हो पाएगी, दैट इज वाटर। यहाँ से वाटर तो बिल्कुल भी आसानी से पास नहीं होगा, आपका लिपिड आसानी से पास हो सकता है, गैसेस आसानी से पास हो सकते हैं, ये सारी चीजें होंगी ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें बताई गई हैं ये बताया गया है फ्लूइड मोजैक मॉडल में, जो कि आपने यहाँ पे देख ही रहे हो। इसके ऊपर अच्छा कार्बोहाइड्रेट भी होता है लगभग कुछ परसेंट ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मान लीजिए प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट ठीक है, तो इसको हम कहेंगे क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, बाकी प्रोटीन ठीक है। अगर ये लिपिड के ऊपर होगा तो हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड ठीक है, लिपिड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारी चीजें समझाई है स्क्लिडन एंड श्वान ने ठीक है, ये साइंटिस्ट 1972 में इन्होंने समझाया है कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वाइडली एक्सेप्टेड है, फ्लूइड मोजैक मॉडल इसको कहते हैं, क्योंकि इसका नेचर फ्लूइड होता है, लिपिड्स और प्रोटीन्स इनका बना हुआ होता है ठीक है। स्क्लिडन एंड श्वान, सिंगर एंड निकोलसन है, ओके सिंगर एंड निकोलसन है, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1972 में फ्लूइड मोजैक मॉडल दिया है। स्क्लिडन एंड श्वान जो हैं उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल थ्योरी दिया था, इन्होंने स्टार्टिंग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल था वो, और उसके साथ साथ सेल थ्योरी, ये दो चीज इन्होंने दी थी ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोजैक मॉडल दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बताया था ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बताया था, और उसके साथ साथ जो है इन्होंने ये क्रोमैटिन टर्म जो है वो फ्लेमिंग ने दिया था, ये टर्म जो क्रोमैटिन है इसको किसने दिया था, टर्म दिया था फ्लेमिंग ने ठीक है, फ्लेमिंग ने। कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी बॉडीज दिया था। बेंडा, इन्होंने टर्म दिया है माइटोकॉन्ड्रिया का ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया है बेंडा ने ठीक है।
1898 में रॉबर्ट ब्रॉन ने 1831 में न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट इसमें 14 क्वेश्चंस हैं टोटल, 7 क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।